जगह है। जैसे हमने झारखंड में शूट किया था तो वहाँ के लोग बहुत स्वीट थे, फिर मैं भी बिहार से हूँ तो मैं कैसे उन्हें बोल सकती हूँ नहीं, फिर भी नहीं नहीं बहुत अच्छी जगह है यहाँ के। एक्चुअली लोग इतने प्यारे होते हैं ना कि आपको लगेगा कि अच्छा बिहार के और सारे आपके अपने हैं। इनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना वो बहुत प्यारा होता है। अच्छी बात यहाँ की है कि ड्राई स्टेट है तो दो साल से ये बहुत सही है। ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक अश्लीलता से भरी हुई चीज़ है, तो अब ऐसा नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ने एक शुरुआत की है, उसको साबित किया है कि भोजपुरी बिना अश्लीलता के भी चल सकती है। तो ये इस मूवी में है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, ये पूरी पारिवारिक फिल्म है तो आप सबके साथ बैठ कर देख सकते हैं इस मूवी को। क्या इस मूवी को अपने दोस्तों के लिए रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल कर। दिल्ली में लगेगी? दिल्ली में लग रही है, लगेगी। सेट का एक्सपीरियंस है जो एकदम ग्रीन वाले का अच्छा नहीं है। सेट का एक्सपीरियंस कैसे कि सब कुछ बहुत कोई एक घटना एक घटना नहीं कह सकती मैं, बहुत सारा है। शूट के दौरान एक सीन हम शूट कर रहे थे तो उसके दौरान जब हम शूट कर रहे थे तो सीन था एक पिता के साथ ही था, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी फिर भी जिन्होंने नहीं देखा रहने देते हैं इसको। तो उस सीन के दौरान एक इमोशनल सीन था तो जो ऑडियंस थी वो रोने लगी, तो और जो भी आपके जो जनरल जो पब्लिक देख रही होती है आपकी शूटिंग तो वो पब्लिक रोने लगा। आई थिंक वो मोमेंट किसी भी आर्टिस्ट के लिए बेस्ट होता है कि आप एक सीन शूट कर रहे हो और लोग वाकई में रोने लगे, तो वो भी मेरे क्लोज है। एक्टिंग मेरे लिए पैशन है, जुनून है, मैं इसी में आगे जाना चाहती हूँ।